नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। आर्थिक प्रगति किसे कहते हैं, यह तेलंगाना में आकर देखा जा सकता है। राज्य की आर्थिक समृद्धि तेलंगाना में कदम रखते ही पता चल जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 की एक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि आज देश के उन चंद राज्यों में शामिल है जो देश में हो रहे आर्थिक बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बीते 9 वर्षों में तेलंगाना ने जो विकास किया है वह अविश्वसनीय है। प्रति व्यक्ति आय में भी इस राज्य ने अपनी एक विशेष जगह बनाई है। इस मामले में सभी दक्षिणी राज्यों में तेलंगाना पहले स्थान पर है। अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी का सम्मान फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 12वें सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी की नेटवर्थ में बड़ी गिरावट देखने को मिली और वे दुनिया के 23वें सबसे अमीर कारोबारी हो गए हैं। वास्तव में रिलायंस के शेयरों में तेजी आई थी जिसकी वजह से मुकेश अंबानी की दौलत में इजाफा देखने को मिला है। अडानी के 10 कंपनियों के शेयरों में 8 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली और उनकी दौलत कम हो गई है। एसोसिएटेड प्रेस को यूक्रेन में युद्ध की जुझारू कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार सहित 2 प्लेजर पुरस्कार मिले हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स को भी युद्ध के बारे में अपनी स्पेशल स्टोरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग सम्मान अर्जित किया। अगर आप भी स्पैम कॉल से परेशान हो गए हैं तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूकॉलर जल्द ही व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप पर अपनी कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस उपलब्ध करेगी। नए फीचर के आने के बाद यूजर्स को स्पैम कॉल्स का पता लगाने में मदद मिलेगी। ट्रूकॉलर के मुख्य कार्यकारी एलन ममेदी ने कहा है कि यह फीचर अभी बीटा फेज में और इसे मई के अंत में ग्लोबल स्तर पर शुरू किया जाएगा। अप्रैल के बाद अब मई का पहला हफ्ता भी भीगे मौसम के साथ गुजर चुका है। इसके बावजूद अब तक मई जून वाली चिलचिलाती गर्मी का एहसास नजर नहीं आया है। इसकी वजह से बाजार में एसी और कूलर का धंधा भी अब तक मंदा पड़ा हुआ है। बार बार हो रही बारिश की वजह से अब तक पारा सामान्य से नीचे ही बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सोमवार को भी बारिश हुई जिसकी वजह से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक लुढ़क गया। केंद्र सरकार ने सेब के इम्पोर्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 50 रुपये प्रति किलो से कम कीमत वाले सेब के इम्पोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया है। सरकार ने सोमवार को इस बारे में फैसला लिया जिसका लाभ सेब किसानों को मिलेगा। ये किसान लंबे वक्त से सेब पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि बाहर से सेब मंगाने की वजह से घरेलू दाम प्रभावित होते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। अब सरकार ने इस दिशा में बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इसे भूटान को अलग रखा गया है, यानी भूटान से आयात होने वाले सेब पर इस पर प्रबंध का असर नहीं होगा। पान मसाला और तंबाकू उद्योग की तिक्रम के सामने गणित के सारे फॉर्मूले फेल हैं। टैक्स चोरी की वजह से हमेशा जांच एजेंसियों की हिटलिस्ट में रहने वाले इस सेक्टर पर अंकुश लगाने के लिए अप्रैल में टैक्स का भार दोगुना कर दिया गया है। इसके बावजूद पान मसाला और तंबाकू के पाउच पर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा है। रेटिंग एजेंसी फीच ने मंगलवार को भारत की संप्रभु रेटिंग के परिदृश्य को स्थिर बताते हुए कहा है कि भारत का विकास मजबूत दिख रहा है। फीच रेटिंग्स ने अपने बयान में कहा है कि फीच रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्टिंग रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ BBB के स्तर पर रखा है। फीच ने कहा है कि संप्रभु रेटिंग के लिए मजबूत वृद्धि क्षमता एक महत्वपूर्ण वजह है। मणिपुर में भड़के हिंसा के बीच लगातार अलग अलग राज्यों के लोगों का वहां से निकलना जारी है। बिहार के भी कई छात्र मणिपुर के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए गए हैं। राज्य में बिगड़े हालात को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार इन छात्रों को सकुशल घर पहुंचाने में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर मणिपुर से छात्रों का ग्रुप विशेष फ्लाइट से आज पटना पहुँच रहा है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश में इन छात्रों को बिहार में अपने घरों को पहुँचाया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी स्कूलों में कानूनी अध्ययन को एक विषय के रूप में शुरू करने की मांग संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा है कि स्कूली बच्चों को कानूनी की पढ़ाई के बारे में निर्णय लेना सरकारी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है। यह मामला नीतिगत होने की वजह से इस मंच का दुरुपयोग करने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट वाराणसी में तैयार होना शुरू हो चुका है। इससे न सिर्फ शहर में जाम की समस्या खत्म होगी बल्कि यात्रियों को मात्र 15 मिनट में वाराणसी के कैंट स्टेशन से गदौलिया तक का सफर तय कर पाएंगे। वाराणसी के लोगों को जल्दी रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। यह देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम का मॉडल है। इस रोपवे को बनाने में कुछ 461 करोड़ की लागत आने वाली है। BDA के उपाध्यक्ष बताते हैं कि जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो गया है और इसका काम भी शुरू हो गया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सार्वजनिक निवेशक मुबादला से नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्रों में समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का अनुरोध किया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने UAE की अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और
मुबादला के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान भारत में निवेश का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं को आधार वेरिफिकेशन की अनुमति देने के अपने प्रस्ताव के लिए मांगी गई पब्लिक फीडबैक की समय सीमा को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्राइवेट संस्थाओं और राज्य संस्थाओं को आधार सत्यापन करने की अनुमति देने का एक मसौदा तैयार किया है। अब इसी प्रस्ताव को लेकर पब्लिक फीडबैक मांगा गया था, जो 5 मई तक सबमिट करना था, हालांकि अब इसे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी इस मसौदे में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा अन्य संस्थाएं अब कुछ मामलों में आधार प्रमाणीकरण की अनुमति मांग सकती है। देश के ज़्यादातर लोग ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2023 में 2.7 करोड़ से भी ज़्यादा यात्रियों ने सफ़र नहीं किया है। वेटिंग लिस्ट में होने के कारण ये यात्री अपना सफ़र नहीं कर पाए। एक ITR के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह संख्या 1.65 करोड़ थी। RBI का स्वर्ण भंडार मार्च 2023 के अंत में सालाना आधार पर 34.22 टन बढ़कर 794.64 टन पहुँच गया है। इसमें 56.32 टन का स्वर्ण जमा शामिल है। बीते वर्ष मार्च अंत तक 760.42 टन का स्वर्ण भंडार था। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी 6 माही रिपोर्ट के मुताबिक कुल स्वर्ण भंडार में से 437.22 टन सोना विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सुरक्षित रखा गया है। बता दें कि 301.10 टन सोना देश में रखा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सांसदों विधायकों के खिलाफ जारी आपराधिक मामलों में CBI से जवाब मांगा है। अदालत ने CBI से पूछा है कि कितने सांसदों और विधायकों के खिलाफ CBI कोर्ट में मामले लंबित हैं, कितने का ट्रायल पूरा हो गया और कितने आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, कितने मामलों में अनुसंधान चल रहा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने CBI को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के जल्द निष्पादन के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसका ऐलान उन्होंने हाल ही में किया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ममता ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई चीजें राज्य की व्यवस्था के लिए घातक हो सकती है। इस फैसले के बाद जाने माने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी को लेकर तंज कसा है। ओडिशा में हाल में ये कार्यक्रम में राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान अचानक बिजली गुल होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। इस मामले में राज्यपाल ने मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली गुल के बावजूद राष्ट्रपति ने अपना संबोधन जारी रखा था। फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज होने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है। एक तरफ कुछ राज्यों में इसके खिलाफ दुष्प्रचार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। इस बीच फिल्म के क्रू मेंबर को धमकी मिलने का मामला भी सामने आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने क्रू मेंबर को सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अब तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका है। पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में होता था। गौरतलब है कि भारत ने पहले ही पाकिस्तान में होने वाले इस टूर्नामेंट में जाने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट के भविष्य को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार चाहती है कि MSME उद्योग को राज्य में बढ़ावा मिले। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को 25% सब्सिडी दी जा रही है। चैंबर अच्छी योजना पेश करे तो सब्सिडी को बढ़ाकर 40% तक किया जाएगा। झारखंड के आदिवासी सरल और सीधे साधे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है। देश में 72% मौतें डॉक्टर के जरिए प्रमाणित नहीं होती हैं। घरों में होने वाले इन मौतों पर परिजन खुद ही फैसले ले लेते हैं, जबकि 23% मौतों पर नीति बनाई जा रही है। बिना डॉक्टर से प्रमाणित मौतों की असल वजह व कारणों की जानकारी पूरी तरह अस्पष्ट नहीं होती है। केवल 22.5% मौतें डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती हैं और उन्हीं के जरिए मौत के कारणों की जानकारी का एक अनुमान लगा लिया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मामलों की ऑनलाइन सुनवाई पर आज बड़ी बात की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऑनलाइन सुनवाई में एक बड़ा मसला है कि यहाँ बहुत संभलकर बोलने की जरूरत है। सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जजों को ट्रेनिंग की भी जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हमें नियंत्रण करने की जरूरत है, यह एक गंभीर मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को बड़ा झटका दिया है। 700 भारतीय छात्रों को कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी द्वारा डिपोर्टेशन के नोटिस जारी कर उन्हें कुछ ही दिनों में कनाडा छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इन स्टूडेंट्स ने जलंधर की एक एजेंसी एजुकेशन माइग्रेशन के माध्यम से कनाडा का स्टडी वीजा लिया था। कनाडा में इस तरह के एजुकेशन फ्रॉड का यह पहला मामला है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में आरोप तय किए हैं। अदालत ने आफ्ताब से कहा है कि मूल रूप से आपके ऊपर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और अन्य स्थानों पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने आफ्ताब से पूछा कि क्या आप अपराध को
स्वीकार करते हैं या ट्रायल फेस करेंगे। आफ्ताब ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया है कि हम आरोप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम ट्रायल फेस करेंगे। फिल्म द केरल स्टोरी पर समूचे देश में सियासी संग्राम के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने के लिए अर्जी दी गई है। आज टॉप कोर्ट में इस मसले पर दी गई अर्जी को 15 मई को लिस्ट करने के लिए राजी हो गया है, जो कि केरल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ है। दरअसल हाई कोर्ट के उस आदेश में फिल्म पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया गया था। बहरहाल ताज़ा मामले पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जिक्र कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में दो आतंकवादी हमलों ने पूरे देश को हिला दिया है। इस आतंकवादी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हमलों को लेकर जांच एजेंसियों के हाथ अहम सबूत भी लगे हैं। खबर है कि जम्मू के दोनों आतंकी हमलों में आतंकी आपसी संवाद के लिए इनक्रिप्टेड वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेंजर का इस्तेमाल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम आरक्षण को लेकर होने वाली सुनवाई शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इस दौरान कोर्ट ने बीजेपी नेताओं के मुस्लिम आरक्षण खत्म करने को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई। अदालत के मुताबिक जब हम मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब आखिर कैसे उन्होंने आरक्षण को खत्म करने का बयान दे दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब अदालत का आदेश होता है तो फिर उसमें कुछ पवित्रता बनाए रखने की जरूरत होती है। भारतीय रेलवे दलालों द्वारा फर्जी टिकटों पर रोक लगाने के लिए पूरी रेल प्रणाली को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर रहा है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे प्रबंधकों को एक सर्कुलर जारी किया है कि मुंबई के कुछ जगहों पर स्थित रेलवे के 5 प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया जाएगा और 19% काउंटर टिकटों की छपाई 74% निजी प्रिंटिंग प्रेसों को आउटसोर्स की जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को राज्य की सहमति के बाद चारों नए लेबर कानून लागू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल ही न्यूज वेज कोड को लेकर श्रम मंत्रालय में मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ राज्यों की असहमति के चलते इन्हें लागू नहीं किया गया था। बताया जा रहा है कि एक बार फिर श्रम मंत्रालय ने राज्यों से कोड लागू करने को लेकर जल्द अपनी राय देने के लिए कहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है महेंद्र कुमार, संजय चौधरी, दयाशंकर प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, MD साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर और दीपक कुमार। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, द केरल स्टोरी को लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।